तेरे लायक तो कोई गायक ही नहीं है। थोड़ी थोड़ी बता भैया भैंसियों पे पड़ गई, मुतनी में कीड़ा पड़ गए, बात भी गई गई। अरे बात कैसे बिगड़ गई रे? कैसे मजा में घर डाल रहे हैं, पहली बात तो सास को बात कैसे बिगड़ गई? बात बिगड़ी हाँ, भेजिए बात बिगड़ी। कैसे बात बिगड़ गई? गुलाब टी शर्ट वही लेके आए, मुंह तो नहीं कीड़ा पड़ गए, मर गई। मर गई कि सास को दूध कम दे लेके दूध कैसे देगी? लुटे तो कैसे तो लुटे। हाँ ये बात सही कह रहा हूँ। जैसे आपकी पर्ची भाई सा, आपकी पर्ची, अरे चल बोल पहला। अरे बोल तो जब कि तू जबरिया घुस रहे हो काम सुबह में, हमें गा ले यार। एक बात बताओ, ये काम तो हम अगर लोग काम मुंह मार रहा हूं, पर यार मेरे जा के क्या मार रहे हो? मैं तो जादू कह रहा हूं, कैसे कह रहा हूं? और जे मालवे में एम बेड़ी कल्याण सिंह जानते से ला अरे जब मेहमान सास घर आयो, दो रुपया को लल्ला भूरो लेके आयो, बाकी सासु ने बिछाए दो लड़का। अरे लड़का के पलका, ये आदमी खानदानी नहीं है भाई साहब, देख रहे हो? लड़का लड़का ना पलका बोलो, चार कौन को काश कहते हैं पलका। अरे पलका हो तो वो, और का लड़का हो तो वो पलका हो तो। हाँ भाई साहब आप काफी समझदार लग रहे हैं, हमें अपना नंबर ही दे जाओ, इतना लंबा देंगे सभी जैसे के तो फस फसी से। अरे बाकी सरजन लली बिछाई, लली के दरी, और का लली बिछाई दे दरी बिछाई भैया। ऐसा करो जो कर चाहो तुम ही गा ले लो। अब गाओ, तुम गा रहे, तुम गा रहे सबसे पहले। हाँ तो क्या मैं गाऊं? अब हाथ में रखो, हाथ में महाराज राजा बहुत पेश है आएंगे दरबार में, राजा बहुत पेश हो दरबार में। ये मंत्री हाथ पैर तोड़ के आया है। ए राठौरी महाराज, जयशंकर जयशंकर की महाराज। हाँ बड़ी कहानी खराब है। क्या कहानी खराब हो गई? पर मैंने आपकी नाक नीचे नहीं होने दी। कैसे? अपनी जीते ही। कैसी ना होने दी? सुनो हाँ वो बताइए। आपका जो तालाब है, आहा वहां पे एक जबरिया है, ये एक ही फीस है बस, कुल एक केवल एक फीस है। उसने क्या किया है? एक फीस ने वो किया है। क्या क्या? अगर तुम्हारे दिमाग में झंझे ही फंस जाए तो बात उज्जी होती। बताओ कह रहे घर को तालाब में, पहले तो बार पूरे तालाब घोदो गोबर से, फिर जवरिया को बदी पूछ ली उसने, तब बेकार झूठ बोलो। मोर ने गुस्सा आई। हाँ अब मोर तो माने मेरी गुस्सा करना है। हाँ जैसे ही मोर गुस्सा आई है तैसे मेरे फटाक से सार गिरा लो, तब बेकार झूठ बोलो, हाथ पांच छू के मेरे, तब माफी मांग के चलोगे। तो बहुत बहादुरी का काम किया है। फिर वहां से मैंने नेक हटके जो सामने हमारे होटल पे चाय पी है, फिर जब तक बारे बारे तेरे मार डाल। आपने गिरा लिया पैर छूले तो तक बारे तेरे मारू डाले, तो मैं ना दी बोलो भाई, तुम कैसे बच के आएगे फिर? भाई देख रहे हो कैसे बच गया हूं, कैसे बच के आए हो फिर? जब बच गया होता तो आओ लो चाट के दिख गया तो कच्चा लो है।
आप ये बताइए वो कौन है, कौन है वो? ये राठौरी का तेली का नौकर है। हाँ ये बात सही है, तेली से बात करेंगे, सही है। इधर आज उसके नौकर कह देते कि हमारे तुम्हारे बाल मल मादी में भाज का आया हूं, खबर मालूम पड़ जाती है राजा बुद्ध के लिए, तो अब वो क्या काम करते हैं? अब वो राठौरी के ढेंग जाए, अरे चाका द्वार लगोर पुदही को बामन कड़ के भा राजा आए, ताबती खाने पे तो जरूर तो तक नौकर आएगा खुद भाटी को, अब बे मौज उड़ाए रहे आज पास ही पहुंच गो राठौरी के, मेरे भैया खुद कैसे करत है बात वीर तोई राठौरी के। ये राठौरी आप क्या कर रहे हो? और ये कस्बा छकनपुर के रहने वाले इसरत मुल्ला ठेकेदार और कस्बा बड़ी सरैया के रहने वाले सुखपाल सिंह और कस्बा बड़ी सरैया के रहने वाले भैया जगदीश और कस्बा छोटी सरैया के रहने वाले हराम सिंह, ये चारों प्रेमी 100 रुपया पार्टी के लिए दूध पीने को दे रहे हैं। पार्टी हार्दिक धन्यवाद दे रही है और कह रहे हैं हमारा छाप लगा दो। तुझे लड़के शर्म नहीं आती है? अरे जहाँ इस तकाजा कर रहा हो आदमी जबरिया घुस रहा है, अरे राठौरी साहब वहां पे अपना एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा बच के निकल जाए लगो, वो बच के नहीं निकल ले तो आ रहा हूँ तोप के नीचे, क्यों भाई डायरेक्ट तोप में ही भाज रहा हूँ आदमी को। ये राठौरी हम बैठे हैं, जाठौरी आप जाठौरी बैठे हो, आप ये बताइए तुम्हारे कुलवारे में कितने नौकर रह गए हैं? एक नौकर रहेगा वो तो बाप परोसा ले जाऊंगा। परोसा तुम्हारा भी होगा? हाँ मेरे जबिये साहब मेरी टेलर रह गई है। तुम्हारी टेलर? हाँ वो हमारे हमारे घर बाऊ की बहू हैगी। कि नहीं बहू? बाई की जाके उनमें नाम ले रहा हूँ। राठ रहतवा की? हाँ बाऊ की बहू है। एक बात और है सुनो, अब तुम्हारे लिए ऐसा इनाम दिया जाएगा और ऐसा परोसा तुम्हारे पीठ से आज बांधा जाएगा, सुनो। रसगुल्ला झाल रहा हूँ। हाँ बहुत बनेंगे तुम्हारे लिए रसगुल्ला आज। मेरे बारे नौकर रे पानी मारे, बातों हमारा रे तालक के दी, तुम तो मरोगे देश पिपुल में, त्यारो होगो कोई बचवैया तो नाय, अरे पर बचाते तुम्हें फांसी लगवाए दे, क्या तारो कोई बचे लुनाए। ओ बंदर लो जाओ बजा ले। जैसे एक बात बताएंगे महाराज आप, के तुम्हारो पूरो कुल को कुलई झूठाइए। क्यों झूठा है? एक आदमी सच बोलन को राजी ना है, इसमें कारण बता कैसे झूठे हैं रे? अभी हाल आप लोगों के सामने कहिए श्रीमान जी कि एक आदमी ने 12 आदमी मार डाले, बे 12 आदमी तुम्हारे यहाँ तुरैया खाते भी सोन सास कल पे एक ना मरू है भैया, है पक्की झूठ पक्की। ये आदमी क्या झूठ बोल रहा, मैं बता रहा हूँ, रात से देख रहा हूँ जाके नुक्ति पूरी नहीं दे रही, अब बदनामी के मारे आदमी ने फांस रहा है। आप कहते हो कि इंतजाम नहीं हुआ है इसलिए बातों में फांस करके इसके लिए भजा दें सब लोगों के लिए, आप ये कह रहे हो? इसीलिए बैठे तुम झूठ सोच रहे हो कि ये झूठ बात है और क्या?
कैसे विश्वास आएगा? हम कानों सुनी नहीं मानते और आंखों देख, आंखों से देख लोगे तब ये कान तो भ्रष्ट है। अच्छा, आज तक मैंने तुम कितनी बार देख रही, मैं बात को सुनता ही हूं। आप आंखों से देख लोगे तब तब देख तो सही है, तब हम मान सकते हैं कि गलती। भंवर ताल के लिए चलोगे हमारे साथ तो विश्वास आएगा। अब हेरो हेलम हेला रे आधे सपे मुल के रे बीच आप चल रो नर नारिन को मेला रे तई सिगरे जाए रे बेतो भमर ताल को तेली बुद सिंह दोनों तई फिर जाए चल के पहुंच गए तई भमर ताल पे तेली तेरे करत है वार गौर से देखो तुम भमर ताल पे नौकर की चुंदई लास पे लास अरे राठौरी जब हमर ताल